वेलकम टू लेट्स क्रैक द गोल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। शुरू करते हैं आज का टेस्ट फटाफट। क्वेश्चन नंबर एक, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल एवं उत्तल दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए पक्षमाभि, ऑप्शन नंबर बी परितारिका, ऑप्शन नंबर सी नेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर डी रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस का लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि जरा दूरदृष्टिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोगशाला में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी मापना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 cm का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर बी पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी अधोमुखी, ऑप्शन नंबर डी उपरिमुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी आधे, ऑप्शन नंबर डी 4/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी
इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन नंबर सी, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, चाहे चुंबक को आप कितना हो तोड़ दीजिए, सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शौर्य कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी को, ऑप्शन नंबर बी वृक्षों को, ऑप्शन नंबर सी जल को, ऑप्शन नंबर डी बिजली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्षों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सी ए एच सी ओ थ्री इंटू टू, ऑप्शन नंबर बी सी ए ओ एच टू, ऑप्शन नंबर सी एन ए ओ एच, ऑप्शन नंबर डी एन ए एच सी ओ थ्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी ए ओ एच टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ए टू एस ओ फोर प्लस बी ए सी एल टू, बी ए एस ओ फोर प्लस टू एन ए सी एल कैसा अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूल्हा है? ऑप्शन नंबर ए सी ए ओ, ऑप्शन नंबर बी सी ए ओ एच टू, ऑप्शन नंबर सी सी ए सी ओ थ्री, ऑप्शन नंबर डी सी ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी ए ओ एच टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। लवण एन ए टू सी ओ थ्री का जलीय विलयन का पी एच है। ऑप्शन नंबर ए सात, ऑप्शन नंबर बी सात से अधिक, ऑप्शन नंबर सी सात से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सात से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी जस्ता, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी कच्चा चूना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है ऑप्शन है आपका ओ एच, सेकेंड ऑप्शन है सी एच ओ, ऑप्शन थर्ड नंबर है सी ओ और ऑप्शन नंबर डी है सी 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 डबल ओ एच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ओ, कीटोन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का आई यू पी एस सी नाम है। ऑप्शन नंबर ए इथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनोड, ऑप्शन नंबर बी कैथोड, ऑप्शन नंबर सी अपघट्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए डेवेराइन, ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर सी मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर डी हेनरी मोजले।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ऑप्शन नंबर सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है, ऑप्शन नंबर डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस बिलियन को नीला कर देता कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एच प्लस, ऑप्शन नंबर बी ओ एच माइनस, ऑप्शन नंबर सी सी एल माइनस, ऑप्शन नंबर डी ओ स्क्वायर माइनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ एच माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए जल वहन का, ऑप्शन नंबर बी भोजन का, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल वहन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का वहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम उत्तरदायी होता है जल वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडीपी, ऑप्शन नंबर बी एटीपी, ऑप्शन नंबर सी डीटीपी, ऑप्शन नंबर डी पीडीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए सीरा, ऑप्शन नंबर बी रंध्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य सिरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नीलय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आलिंदों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलिंदों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल। और ये तीनों जो अम्ल है ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिब्रेलिन, ये सब बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी जलानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी रसायनानुवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वमन, ऑप्शन नंबर बी चबाना, ऑप्शन नंबर सी लार आना, ऑप्शन नंबर डी हृदय धड़कना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जननमुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन नंबर डी लेस्मानिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए वृषण में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषण में, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? ऑप्शन नंबर ए परागकोष, ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर सी वर्तिका, ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पुरुषों में, ऑप्शन नंबर बी स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी पुरुष और स्त्री दोनों में, ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
पुरुष और स्त्री दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़े दोनों में होते हैं। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जितने भी वीडियो और टेस्ट डालें आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को देखें, सेट प्रैक्टिस करें और कमेंट जरूर करें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट के लिए। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए घास, ऑप्शन घास पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन नंबर बी घास लकड़ी तथा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी फसलों के छिलके केक एवं रबड़, ऑप्शन नंबर डी केक लकड़ी एवं घास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास फूस तथा चमड़ा। और इसी के साथ आज का टेस्ट खत्म होता है। धन्यवाद।